फाजिल्का का नगर सुधार ट्रस्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है। ट्रस्ट के दफ्तर से कर्मचारियों के गायब रहने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिलती रही हैं। इसके चलते एडीसी ओम प्रकाश ने अचानक ट्रस्ट के दफ्तर पर छापा मारा। चेकिंग के दौरान ट्रस्ट के तीनों नियमित कर्मचारी नदारद पाए गए। दफ्तर में सिर्फ कच्चे कर्मचारी ही मौजूद थे। एडीसी ओम प्रकाश को हाजिरी रजिस्टर्ड भी नहीं मिला। एडीसी ने बताया कि ट्रस्ट की पूरी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर मंजीत सिंह को दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मंजीत सिंह ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। उनके निर्देश पर ही ट्रस्ट के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं एडीसी ओम प्रकाश की बाइट। आज मेरे वालों 4 बजे चेक किया गया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दफ्तर। उसके विच एक क्लर्क, एक ईओ, एक जेई, इन्होंने को एडिशनल चार्ज है 1500 रुपए। तिना को एडिशनल चार्ज है जिहड़ा हुण गैर हाजिर का जो हाई रजिस्टर है, जो मुंडे को हाई रजिस्टर है वो भी अज है नहीं, तो हाई रजिस्टर वो अलमारी है, जिस करके पता नहीं लग सका भी तो गैर हाजिर। मंगलवार को मैं दसा गया, मंगलवार को पिछले मंगलवार परसों मतलब आया सीगा। उसके बाद ये मैं डी साहब से पेश करूँगा जी रिपोर्ट अपनी, तो जो फैसला करेंगे। मिली सी भी सारा स्टाफ गैर हाजिर है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का, इसलिए मैं ये रेड मारी। वो डीसी साहब से निर्भर करता, क्योंकि डीसी साहब के चेयरमैन भी ने। ठीक है, मैं रिपोर्ट पेश कराँगा, जिस तरह के ऑर्डर करेंगे उस तरह दाव कर। यही जो मैं चेक किया कि बंदे गैर हाजिर ने, कि हाजिर ने, वो बारे असं रिपोर्ट डीसी साहब को पेश कर देंगे। बाकी फैसला डीसी साहब करेंगे।